नमस्कार। आज हम जल चिकित्सा के प्रभावों के बारे में बात कर रहे थे। इसी का एक मुख्य तरीका है एनीमा। जल चिकित्सा की एक मुख्य चिकित्सा एनीमा भी है। आयुर्वेद वगैरह में जिसे बस्ती कहा जाता है, एलोपैथी में भी इसका उपयोग किया जाता है, पर वो एलोपैथिक दवाइयों के साथ। एनीमा द्वारा बड़ी आत्मी संचित मल का निष्कासन किया जाता है, क्योंकि रोगों का मुख्य कारण ही आंतों में मल का जमा होना है। तो एनीमा के लिए क्या क्या उपकरणों की आवश्यकता होती है? एनीमा के लिए एनीमा पॉट, 1.5 से 2 लीटर की क्षमता वाला, रबड़ की नली 4 फीट लंबी, कैथेटर 6 नंबर अथवा 12 नंबर का, 6 नंबर का बच्चों के लिए, 12 नंबर का वयस्कों के लिए, टोटरीदार गुजा नोजल और योनि वस्ती नोजल, ये एनीमा पॉट के पार्ट्स हैं। एनीमा देने के लिए एक तख्त होना चाहिए जो पैरों की तरफ 4 इंच ऊंचा उठा हुआ और नीचे की तरफ टेपर हो। एनीमा कभी बैठकर नहीं लेना चाहिए। एनीमा देने के लिए कई प्रकार की विधियां हैं। पीठ के बल चित लेटकर लेना, आंतों एवं घुटनों के बल झुककर लेना, छाती या पेट के बल लेटकर एनीमा लेना। जिन मरीजों को एनीमा का पानी लेकर रोकने में कठिनाई होती है, उन्हें छाती या पेट के बल लेटकर भी एनीमा दिया जा सकता है। अब है इसके अलावा दाहिनी करवट लेटकर लेना। इसमें दाहिनी करवट लेटकर दाएं पैर को थोड़ा मोड़कर बाएं पैर के ऊपर रखें, पैरों तथा पेट को ढीला रखें ताकि गुदा द्वार पर तनाव न रहे, और इस विधि से एनीमा दिया जा सकता है। बाईं करवट लेटकर गुदा द्वार पर अटके मल को निकालने के लिए तथा अपेंडिसाइटिस के रोगी के लिए बाईं करवट लिटाकर एनीमा दिया जाता है। सभी एनीमा देने के पूर्व कैथेटर से थोड़ा पानी निकाल लें और उस पर कोई चिकनाई लगा लें, वैसलीन या नारियल का तेल। कैथेटर धीरे धीरे गुदा द्वार में प्रवेश कराएं। इस विधि से कम पानी के साथ भी एनीमा दे सकते हैं। अपेंडिसाइटिस के रोगी को खाली 1 कप पानी का भी एनीमा दिया जाता है। पानी सिर्फ उसमें ट्रांसवर्स कॉलन तक ही जाता है। डिसेंडिंग कॉलन को सिर्फ साफ रखने के लिए ये विधि अपनाई जाती है। इसमें बाएं पैर को मोड़कर दाहिने पैर पर रखा जाता है। दोनों पैर ढीले रहने चाहिए। एनीमा देने का एक तरीका है दाहिने सीधे एवं बाएं करवट लेकर। यह एनीमा लेने का अत्याधुनिक एवं आधुनिक तरीका है। इसमें पहले दाहिनी तरफ, फिर पुनः सीधे, फिर बाईं करवट लेटकर एनीमा लेना चाहिए। इससे तीनों तरह के असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसफर कॉलम की अच्छी तरह सफाई हो जाती है। एनीमा लेने के पहले कुछ आवश्यक सावधानियां भी बरतनी चाहिए। एनीमे में पानी की मात्रा रोगी की क्षमता अनुसार निर्धारित करें। एनीमा पॉट की ऊंचाई रोगी के रोग और शक्ति के अनुसार निर्धारित करें। पेट के अल्सर में 1 फुट तथा अन्य रोगों में सामान्य स्थिति में 2 फुट तक एनीमा पॉट की ऊंचाई रखनी चाहिए। एनीमा कैथेटर के मुख पर तेल, वैसलीन या मक्खन लगाएं। किसी किसी पेशेंट के एनीमा लेते समय पेट में दर्द हो तो उस समय एनीमा का पानी का रिसाव रोक देना चाहिए, फिर थोड़ी देर रुककर और फिर एनीमा देना चाहिए। और एनीमा पॉट के जब दर्द हो तो ऊंचाई थोड़ी कम कर दें। एनीमा लेने से पूर्व थोड़ा सा पानी कैथेटर से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि अनावश्यक हवा अंदर न घुस पाए। एनीमा लेने के बाद पेट श्वास प्रश्वास द्वारा फुलाएं, पिचकाएं। इससे एनीमा द्वारा आंतों में चिपका मल पानी में घुलकर बाहर निकल जाएगा। यथाशक्ति जब तक पानी रुक सके अंदर ही रोकना चाहिए। जिनसे नहीं रुकता लेट कर रोकें अथवा टहल कर रोकें।
जब तक फुल प्रेशर नहीं हो तब तक आपको स्टूल पास करने के लिए नहीं जाना है। एनीमा से पेट अच्छी तरह साफ हो इसके लिए पेट पर गर्म ठंडा सेक पहले करना चाहिए, थोड़ी हल्की कसरत करनी चाहिए, पानी पीना चाहिए, उसके बाद एनीमा लेंगे तो पेट अच्छी तरह साफ होगा। और जिन लोगों के प्रेशर बहुत जल्दी नहीं बनता उनको एनीमा लेके भी तुरंत पानी पीकर फिर टहलना चाहिए। एनीमा जब भी लें गहरी लंबी सांस लें, इससे पानी आंतों तक पूरा चढ़ जाता है और रुक भी जाता है। एनीमा लेते वक्त दोनों पैर एवं पेट को ढीला रखें ताकि मल द्वार पर तनाव ना आए। एनीमा लेते वक्त अगर पानी आंत में ना चढ़े तो ध्यान रखें कैथेटर को ऊपर नीचे धीरे धीरे ले जाएं, इससे कैथेटर पर चिपका मल हट जाएगा। गुदाधार के दोनों हिस्सों को बाएं हाथ से अंगूठे से और अनामिका से दबाकर पकड़ें, कैथेटर गुदाद्वार के अंदर रहेगा। पेशेंट को कहें गहरी लंबी सांस लें। जैसे एनीमा देने की विधियां जानी, एनीमा देने के द्रव के भी अनेक प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मल निष्काशक एवं आंत पोषक एनीमा द्रव, यानी एलिमिनेटिंग एंड हीलिंग एनीमा। इसमें आता है छाछ का एनीमा। छाछ के एनीमा के लिए 250 मिलीलीटर से लेकर 500 मिलीलीटर ताज़ा छाछ का प्रयोग किया जाता है। इससे अच्छा होता है कि पहले हम पानी से सफाई करें और फिर ये छाछ का एनीमा दें और पेशेंट को थोड़ी देर वहीं लेटा रहने दें, जिससे उनका हीलिंग इफेक्ट बढ़ जाए और वो छाछ का एनीमा वहीं पड़ा, मतलब जो छाछ है आंतों में प्रसारित हो और वो जल्दी से बाहर नहीं आए। यह छाछ का एनीमा डिसेंट्री, पतला दस्त, मरोड़, आंत प्रवाह, आंतों की शोध एवं मधुमेह, लीवर संबंधी रोग और समस्त पेट संबंधी रोगों में दिया जाता है। शहद का एनीमा। शहद अच्छा होना चाहिए, शुद्ध शहद होना चाहिए। जब मल काफ़ी खुश्क हो गया हो, रोगी कमज़ोर हो गया हो, खाना नहीं खा सकता हो, ऐसी स्थिति में आधे लीटर पानी में 3 बड़े चम्मच शहद मिलाकर टॉनिक एनीमा दिया जाता है, जिससे रोगी को शक्ति मिलती है, उसकी कब्ज दूर होती है, खुश्की दूर होती है। ये कम पानी में दिया जाता है जिससे कि वो अंदर ही रुका रहे और रोगी की आंतों के लिए एक मल्हम का कार्य कर सकें। रोकने वाला पोषक एनीमा, ये इस प्रकार दिया जाता है जिन्हें भोजन करने और पानी पीने में कठिनाई होती है। पोषक एनीमा देने से पूर्व सादे पानी का एनीमा देना आवश्यक है। पोषक एनीमा का उपयोग दिन में 2-3 बार भी किया जा सकता है। पोषक एनीमा बूंद बूंद धीरे धीरे करके देना चाहिए। पोषक एनीमा में भी कई प्रकार के एनीमा आता है, जैसे शहद का एनीमा, फिर गेहूं के पत्ते के रस का एनीमा यानी जवारे के रस का एनीमा। जो पेशेंट कैंसर है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिनका मुंह से खाना पीना नहीं जा रहा, उनको पोषण देने के लिए इस प्रकार के एनीमा का उपयोग करते हैं। पहले स्वच्छ पानी का देकर पेट आंतों की सफाई करते हैं, उसके बाद गेहूं के पत्ते का रस 50 से 100 मिलीलीटर निकाल कर इसका एनीमा देते हैं। इससे आंतों को पोषण मिलता है, थोड़ा रुकना चाहिए। और अगर प्रेशर भी बनता है तो इससे विजातीय द्रव निष्कासित हो जाते हैं और शरीर को सबल और स्वस्थ बनाते हैं। जो भी उनका पोषक तत्व होता है वो आंतों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो शरीर अपने आप शरीर से बाहर निकाल देता है। डॉक्टर एन विगमोर के अनुसार यह एनीमा आंतों में संचित विष को न्यूट्रलाइज करता है और फ्रेशनेस लाता है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। फिर आता है एक एंटीसेप्टिक एनीमा लिक्विड। इसमें आता है नीम के उबले पानी का एनीमा। देने का यही तरीका है। यह भी चर्म रोग, आंतों के रोग, इन सब में बहुत उपयोगी है।
फिर लहसुन का रस प्लस पानी का एनिमा। इसमें तीन चार पांच जो अच्छी लहसुन होती हैं उसे 1 लीटर पानी में उबाल कर छान कर और फिर इसका ठंडे पानी का, यानी कि गरम गरम पानी का एनिमा दिया जाता है। समशीतोष्ण जल का एनिमा देना चाहिए। ये बहुत बड़ा कीटाणुनाशक है। ये आंतों के रोगाणुओं को समाप्त करता है और साथ साथ आंतों के लिए उपकारी जीवाणुओं को भी बढ़ाता है। ये लहसुन का विशिष्ट गुण है। अब तीसरे प्रकार का एनिमा होता है मल निष्कासक एनिमा द्रव। इसमें आता है नींबू का रस और एनिमा का पानी, पानी का एनिमा। इसमें हम 1-1.5 लीटर पानी में नींबू का रस, ताजा कागजी नींबू का रस निकाल कर और मिलाकर और फिर प्रयोग किया जाता है। पेशेंट की स्थिति के अनुसार गुनगुने पानी का एनिमा दिया जाता है। इससे जो पुराना कब्ज होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। कभी कभी नमक के पानी का एनिमा भी दिया जाता है। जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, बीपी लो रहता है, तो उनकी आंतों पर उत्तेजनात्मक प्रभाव डालकर इस प्रकार का एनीमा मल निष्कासन के लिए दिया जाता है। सादे पानी का एनीमा। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके मलाशय में मल हो, अगर हम सादे पानी का एनीमा देते हैं, जिसका बीपी भी हाई रहता है, तो उनको सादे पानी का एनीमा देते हैं, वे भी आंतों में आई सूजन को दूर कर और मल को निष्कासित करता है। तो इस प्रकार हम एनीमा का वर्गीकरण कर सकते हैं। क्लीजिंग एनीमा, जो हमने नींबू का रस या नींबू शहद के साथ लिया। शक्तिदायक एनीमा, जो खाली शहद पानी का एनीमा है या जवारे का रस का एनीमा है। फिर आता है आपका कोल्ड वाटर का एनीमा, जिनको पहले से हमने डिस्क्राइब किया। कोल्ड वाटर का एनीमा बहुत, अगर बुखार है, गुदा से तीव्र रक्षा हो रहा है, तो भी बहुत उपयोगी है। ल्यूक वार्म वाटर का एनीमा, ये अक्सर कब्ज को दूर करने का काम करता है, गुदा का घाव भरता है, प्रदर में अच्छा है। इनमें एक आता है गरम ठंडा एनीमा। जब रोगी को कोई लीवर संबंधी रोग हो, तीव्र पेट में दर्द हो, तीव्र कटिशूल हो, उसमें रोगी की क्षमता अनुपात पहले खूब गर्म पानी का सहन करने योग्य 105 डिग्री से 110 डिग्री फॉरेनहाइट तक का पानी का तापमान रखेंगे, उसका एनीमा देंगे और उसके बाद वो फ्रेश हो जाएगा। जब फ्रेश हो के आ जाएगा तो सादा ठंडे पानी का एनीमा दिया जाता है। इस प्रकार देने से आंतों में जो चिपका हुआ मल है वो खुलकर शरीर को साफ कर देता है। रोकने वाला एनीमा भी दो प्रकार का होता है, सादा रोकने वाले एनीमा और पोषक एनीमा। सादा रोकने वाले एनीमे में खाली ठंडे पानी का एनीमा दे सकते हैं या फिर हम शहद का एनीमा भी दे सकते हैं या ज्वारे के रस का भी। गर्म पानी के एनीमा का प्रभाव श्रावित होने वाले प्रत्येक अंग पर होता है, विशेषकर लिवर, क्लोम, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत पर विशेष प्रभावित करता है। वैसे तो मुख्य कार्य एनीमा का है आंतों की सफाई कर देना, पर ठंडे पानी का प्रभाव आंतों को शक्ति प्रदान करने वाला होता है। एनीमा लिवर को भी उद्दीप्त करता है। पुनः बाद में माना गया कि केवल आंतों पर यांत्रिक प्रभाव डालकर छोटी आंत में एकत्रित मल और कीटाणुओं को निकालकर लीवर के कार्य में सहायता करता है। पर कभी कभी प्रेगनेंसी में अगर हम कीटाणु नाशक एनीमा देते हैं तो कभी हार्मफुल भी हो सकता है। जहाँ तक हो सके प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमा देने की बजाय आप उसे रेजोवेलक ड्रिंक या फल सब्जी खाने के लिए प्रेरित करें, जिससे आखिर के महीनों में जिससे उसका अपने आप पेट साफ हो जाए। ज़्यादातर एनीमा का प्रयोग तब करा जाता है जब उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, तो उसके प्रभाव से जब गर्म पानी का एनीमा दिया जाता है हाथों की सफाई हो जाती है तो प्रसव होने में सहायता मिलती है।
इसमें एक विशेष सावधानी रखनी चाहिए, साबुन के पानी का एनीमा कभी भी लेना नहीं चाहिए। चाय, अगर किसी को अस्थमा का अटैक हो रहा है तो चाय कॉफ़ी का पानी उबाल कर उसका भी एनीमा दिया जा सकता है। या जिन्हें कोई बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो एक पिचकारी द्वारा रोगी को दाई करवट लिटाया जाता है, उसमें नारियल का तेल प्लस अरंडी का या अरंडी का तेल और उसमें नींबू डाला जाता है, सिरिंज द्वारा सोते समय उसको चढ़ा दिया जाता है। रोगी को उसी दाई करवट में लेटकर विश्राम करने को कहा जाता है, जिससे कि उनकी आंतों में चिकनाई पैरे और सारे मल को बाहर निकाल सके। ऐसा एनीमा देते समय गुदा द्वार को रूई से बंद कर देना चाहिए। तेल के प्रभाव से आंतों में वर्षों से चिपका मल सही होकर ढीला होता है और पानी के एनीमा से वह छूटकर बाहर निकल जाता है। तेल के एनीमा का प्रयोग अधिक दिनों तक लगातार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लीवर के कार्य को मंद होने की संभावना रहती है, या जिसका कोलेस्ट्रॉल पहले से बढ़ा है उसके लिए भी नहीं करना चाहिए। ये एनीमा का प्रयोग तेल वाले का तभी करना चाहिए जब रोगी विश्राम कर सके। कम पानी में प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आंतों के अंदर मल रह सके। भयंकर कब्ज, मल के अधिक खुश्क एवं सख्त होने पर, पेट दर्द होने पर, वायु विकार होने पर ये उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने एनीमा का उपयोग और प्रभाव पढ़ा। ये हमारे नेचुरोपैथी स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। थैंक्स टू